हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले आलू और प्याज की सब्जी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को पैन में चढ़ा देंगे और गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करके हम तेल को कड़कने देंगे, फिर हम ये सारी चीज़ें एक साथ ही डालेंगे उसमें। तो अभी तेल कड़क रहा है, इसमें हम सबसे पहले कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ा, इससे करेले में टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मैं कसूरी मेथी लाती हूँ पहले। तो अब हमारा तेल कड़क चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा दो लहसुन डाल देते हैं और इसे थोड़ा रेड होने देते हैं। इसमें थोड़ा खुशबू आने लगे तो हम जो सब्जी हमने काट कर रखी है, करेला आलू और प्याज, तो इसे हम ऐड कर देंगे और इसे थोड़े तेज़ आंच पर शुरुआत में भूनेंगे, फिर हम सिम में कर देंगे इसे। तो देखिए लहसुन और मेथी कड़क चुकी है, तो अब हम इसमें प्याज आलू और करेला मिक्स कर देते हैं और इसे थोड़ी देर तेज़ आंच पर हम भूनते हैं। करेले में थोड़ा तेल ज़्यादा ही होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा। ये नॉन स्टिक कढ़ाई तो इसमें थोड़े में ही बन जाएगा। सारी चीज़ें हमने इसलिए एक साथ डाला है क्योंकि करेले को भी भुनने में टाइम लगता है, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ ही भुनेंगे। तो आप देखते रहिए, देखिए करेला भून रहा है। अब इसे हम पलट देते हैं और 15 मिनट तक कम से कम इसे तेज आंच पर भूनते हैं। देखिए मेरा फ्लेम तेज ही है, तो आप भी इसे करेले को तेज में ही भूनें क्योंकि तो अभी पानी रहता है इसमें करेले में थोड़ा, तो वो सूख जाए फिर हम इसे स्टीम में भूनेंगे। बीच बीच में हम इसे चम्मच चलाते रहेंगे ताकि वो कढ़ाई में चिपके ना। तो इसे पलट पलट कर अच्छे से भून ले। जब ये थोड़ा कलर चेंज कर दे तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो अभी तो ये और भुनेगा, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं। ये देखिए करेले का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, इसे और हम अभी थोड़ा लाल होने तक भूनेंगे। ये थोड़ा और लाल हो जाएगा फिर ही हम इसे मसाले ऐड करेंगे। अगर हम इसे इसमें थोड़ा लाल होने नहीं देंगे तो ये कच्चा लगेगा और करेले का कड़वापन नहीं जाएगा, तो इसलिए हम इसमें अभी लाल होने के लिए छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि ये हल्का हो चुका है भूनकर। आप जैसे चम्मच चलाएंगे तो आपको लगेगा कि ये भून चुका है अच्छे से। तो यहीं पर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। इसमें है 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर, छोटी चम्मच हल्दी और हाफ टी स्पून है इसमें मिर्ची और एक बड़ी टमाटर। तो सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसे मिला देते हैं। नमक हम अभी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम नमक डालेंगे तो करेला ज़्यादा पक जाएगा और टूट जाएगा, इसलिए हम इसे खुले में ही भूनेंगे और मसालों को मिक्स होने देंगे। वैसे इसमें करेले में उतना ज़्यादा मसाला तो डाला नहीं जाता है, तो हम भी इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो इसे अभी हम और
कड़कते तक भुनने देंगे। तो ये भुनने के लिए हम अभी इसे छोड़ देते हैं। करेले को हम फिर से चम्मच चला देते हैं और थोड़ी देर भुनने देते हैं और इसे फिर से भुनने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है तो इसमें हम अभी नमक ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर इसे नमक के मिक्स होते तक और छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि करेले ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसे थोड़ा और भुनेंगे और नमक को इसमें ऐड होते तक छोड़ देंगे। आप इसमें कैसे बनाते हैं करेले की सब्ज़ी वो बताइए, अपना कमेंट कीजिए और अपनी रेसिपी हमें बताइए। तो ये देखिए हमारा करेला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अंत में थोड़ा कसूरी मेथी और थोड़ा धनिया और ऐड कर देंगे और इसे बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर हमारा करेले आलू और प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसमें मेथी तो ज़रूर डालकर, कसूरी मेथी डालकर बनाइए। आप देखेंगे कि करेले का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आगे और क्या बनाकर हम आपको बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।